से नोएडा गाजियाबाद में रहने वाले लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मैं इस वक्त नोएडा के पुराना सुत्याना भाई गाँव में मौजूद हूँ और मेरे पीछे की तस्वीर को देखिए, ये स्थिति है और आप इस तस्वीर से माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ अभी क्या स्थिति हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ गया और वहाँ के आसपास के इलाकों में पानी भर गया। पानी इतना भर गया कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा एरिया जो इलाका है जलमग्न हो चुका है। पानी जो है 3 दिन से बढ़ रहा है। हमारी भी झोंपड़ी वहाँ पानी में डूब गई है और वहाँ पे हम लोग खेती वेती करते थे, भिंडी लौकी तोरई जो भी है, हमारा भी कई लाखों का नुकसान हुआ है। और यहाँ के करीबन 100 झोंपड़ियों के किसान थे जो सबकी झोंपड़ियाँ टूट गई और बारिश में इस पानी से सब तबाह हो गया। कोई मदद के लिए नहीं, कोई नहीं आया। ये भी नहीं कहा कि आप यहाँ पर पानी भर गया, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो लो। पुलिस आई यहाँ पे, बस बकाये सरकार का कोई आदमी नहीं आया। पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो उन्होंने कहा कि यहाँ से अंदर की तरफ बढ़िए, और बकाया सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। लोग मजबूर हैं यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने पर, कोई अपने परिवार के साथ रह रहा है दूसरी जगह पर, तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने का। हालांकि खाने पीने की काफी समस्या है, लेकिन कुछ आसपास के जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद से खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। I'm here at the disaster management control room, which is keeping an eye on almost all the talukas of Kolhapur district. This control room is completely busy with the phones ringing one after the other, and operators are taking all the calls, getting the information, providing some help wherever it is required. Apart from that, I can also see a ham radio technology based communication center, which is created here to keep in touch, to get connected with all the teams which are deployed on ground. I have Dr. Prasad Sangpal here with me, who is the in charge of this control room and also the head of the disaster management team. We have our 24 hours control room we are running here round the year. Till today we have shifted near about 70 to 80 families, and out of that near about 500 people have been shifted to the safe shelters with the help of our taluka administration and city administration. Mainly if we think about the Kolhapur district, mainly कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, करवीर, हातकणंगले एंड शिरूर आर दी वर्स्ट अफेक्टेड तालुकास विच वी हैव फेस्ड इन पास्ट 2-3 फ्लड्स। दिस ईयर ऑल्सो वी हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर ऑल दी 3 तालुकास। आउट ऑफ दी 3 तालुकास 27 विलेजेस आर वर्स्ट अफेक्टेड, वेयर वी हैव क्लोज द स्कूल्स फॉर कमिंग 1 वीक। वी हैव मोर देन 70 लाइफ मोटर बोट्स, वी हैव मोर देन 1000 लाइफ जैकेट्स, मोर देन 700 लाइफ रिंग्स, कैर्नामेंटल रोप, देन चेनसॉ कटर्स, हाइड्रोलिक कटर्स, एंड एज वेल एज इन्फ्लेटेबल इमरजेंसी लाइट्स ऑल्सो। एंड टूडे अगेन वी हैव गॉट द रेड अलर्ट फॉर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम IMD, सो द कमिंग 24 आवर्स विल बी क्रूशियल फॉर अस। सो आई एम रिपोर्टिंग राइट हियर फ्रॉम द कोल्हापुर कंट्रोल रूम विच इज मॉनिटरिंग द एंटायर सिचुएशन इन दिस डिस्ट्रिक्ट। I am here at the Panch Ganga River of Kolhapur and showing you the flooded area of this premises. You can see that there is a Mahadev temple which is completely flooded. There is about 10 feet water which is logged and barged inside the temple. So this is not even a proper river. I am being told that there was a proper road beneath this water which is right now submerged. I am here with the disaster management official. Mr. Krishna, मुझे बताइए कि कितना पानी जो है यहाँ पर फिलहाल जो मंदिर परिसर में यहाँ पे घुसा हुआ है। 10 से 11 फुट होगा, 10 से 11-12 फुट होगा पानी। और अभी जो है पंचगंगा नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह गई है, आगे कितना खतरा अभी बाकी है? अभी तो ये 40 फुट 5 इंच पे है, जब तक ये 43 फुट नहीं जा सकती तब तक खतरा नहीं हो सकता। लेट मी टेल यू दैट राधानगरी डैम इज ऑलरेडी ओवरफ्लोइंग एंड ऑल गेट्स आर ऑलरेडी ओपन एंड अबाउट 10,000 क्यूसेक ऑफ वाटर इज बीइंग रिलीज फ्रॉम दिस डैम एंड इट इज लाइकली टू रीच कोल्हापुर विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स एंड दैट मे कॉज अ मैसिव डैमेज टू द सिटी एंड नॉट जस्ट 3 तालुकास बट अबाउट 27 विलेजेस ऑफ दीज तालुकास आर ऑल्सो अंडर द थ्रेट ऑफ flooding. About 70 families and 500 people all together are shifted to a better, safer zone. Not just the disaster management, the other agencies like NDF are also on the ground, and these agencies are well equipped with all the machineries, all the whether it is rubber boats, whether it is life jackets or other equipments, they are taking all due precautions. कोल्हापुर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरीके से पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए तैयारियां रखी गई है। 24 घंटे अलर्ट मोड पे सभी जिला पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी प्रशासन है।
यहाँ पे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे जो वॉलंटियर्स है डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एक टीम बनी हुई है जिसमें पूरे यंग वॉलंटियर्स उसमें शामिल है। स्थानिक हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, ये सब ने मिलकर जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे बोट लेके जाएंगे। इंजन बोट्स उपलब्ध है, लाइफ जैकेट्स उपलब्ध है और जिनको रहने के लिए कुछ सुविधा चाहिए उनके लिए जिला प्रशासन ने रहने की सुविधाएं उपलब्ध करके रखी है।